द फर्स्ट वन इज़ दिल की बात मन की बात तो हमने बहुत सुनी है अगर आप दिल की बात सुनते हैं एंड उन टॉपिक्स पे बात करते हैं जहाँ पे आवाज खुद ब खुद दिल से निकलती है तो आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन ही जाओगे आप किसी भी एक अच्छे स्पीकर को ऑब्जर्व करेगा वो उन टॉपिक्स के बारे में बहुत पैशनेटली बात करते हैं जिसके बारे में वो स्ट्रोंगली फील करते हैं चाहे वो हेल्थ हो चाहे वो फाइनेंस हो चाहे फॉर मी इट्स पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स तो जब भी मैं बात करता हूं उसके बारे में आई हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी सो फिगर आउट योर टॉपिक्स कि किन टॉपिक्स पे आपके पास दिल से आवाज निकलती है एंड दैट विल शो केस इन द वे यू स्पीक दैट ऑथेंटिसिटी दैट एक्साइटमेंट दैट एंथियाजम ऑटोमेटिकली झलकेगा जब भी आप कुछ बोलेंगे सेकेंड स्टेप वन टू थ्री फोर जस्ट के हम कभी भी कोई अगर डांस सीखते हैं तो हम लोग स्टेप्स फॉलो करते हैं राइट right? कि वन टू थ्री फोर वन टू चा 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 वट एवर इट बी जिस तरीके से हम एक डांस को ऑब्जर्व करते हैं कि हाथ कैसे जाएंगे गर्दन कैसे जाएगी कहाँ कहाँ मूव करेंगे सिमिलरली आपको एक पैटर्न ऑब्जर्व करना है जो भी एक अच्छा फ्लुएंट स्पीकर हो कम्युनिकेटर हो उनको ऑब्जर्व करिए उनके जेस्चर्स को उनकी बॉडी लैंग्वेज को वो कौन कौन से शब्द यूज करते हैं किस तरीके से बोलते हैं उसको ऑब्जर्व करिए एक टॉक को एज अज अ डांस परफॉर्मेंस देखिए उनके जो स्टेप्स हैं उनके जो हाव भाव है उसको ऑब्जर्व करिए और उसको डी करिए जो वो कर रहे हैं उसी को आप अपने तरीके से कॉपी करने की कोशिश करिए आप एग्जैक्टली exactly शायद कॉपी ना कर पाए लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप ऑलमोस्ट सेम डिलीवर कर पाएंगे जिस तरीके से डांस में आप स्टेप फॉलो करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं एंड यू बिकम गुड एट इट सिमिलरली विद कम्युनिकेशन द थर्ड वन इज जहाँ पे मैं आपसे कहूँगा कि अपनी मातृभाषा को सलाम करें हमें से बहुत सारे लोग खुद को बहुत ही कम महसूस करते हैं दे सी समन हु इज स्पीकिंग इन इंग्लिश जस्ट बिकॉज अंग्रेजी भाषा बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड है दैट डज नॉट मेक इट सुपीरियर इज जस्ट एन मोर एक्सेप्टेबल लैंग्वेज सो स्पीक इन द लैंग्वेज दैट रेजोनेट्स विद यू एंड योर ऑडियंस अगर आपकी ऑडियंस को आपकी मातृभाषा समझ आती है और काम हो पा रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि अरे अगर मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो मैं किसी लायक नहीं हूं आई बात समझ एक लैंग्वेज को सीखना और उससे जो आपको नए नए आयाम मिलते हैं नए नए अवेन्यूज मिलते हैं नए नए अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं दैट्स ऑलवेज अ ग्रेट पॉइंट इफ़ यू डू नॉट नो द लैंग्वेज इट इज स्टिल ओके टिल द टाइम आपका काम चल रहा है द नेक्स्ट वन सत्तर मिनट याद होगा आपको एक डायलॉग था शाहरुख खान का चक द इंडिया में जहां पे वो बात करते हैं सत्तर मिनट की सत्तर मिनट है तुम्हारे पास शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास सत्तर आपको अगले सत्तर दिनों तक एक काम करना है आपको खुद एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है डू इट फॉर द नेक्स्ट सेवेंटी डेज एवरी सिंगल डे टेक इट एज अ मैराथन चाहे कुछ भी हो जाए करना ही है आप ऑब्जर्व करोगे कि उन सत्तर दिनों के बाद यू विल नॉट जस्ट बिकम मोर कॉन्फिडेंट यू विल रिलाइज दैट जो आप पहले थे जो आप आज हैं यू विल बिकम बेटर आप अपने थॉट्स को स्ट्रक्चर कर पाओगे आप बहुत क्लैरिटी के साथ बोल पाओगे सो डू इट फॉर द नेक्स्ट सेवेंटी डेज नेक्स्ट वन आई कॉल एज परफेक्टली इमपर्फेक्ट कई बार होता है ना कि हम लोग हर चीज परफेक्ट करना चाहते हैं हम चाहे जो शब्द बोलना चाहते हैं वी वॉन्ट टू हैव परफेक्ट वो कैबुलरी हम जो अपनी आवाज है उसको बिल्कुल परफेक्ट चाहते हैं हम जो अपने हैंड जेस्टर्स हैं उसको बिल्कुल परफेक्ट चाहते हैं लेकिन इस पूरे कश्मकश में हम कहीं ना कहीं कुछ भूल जाते हैं हम कहीं ना कहीं इतना स्ट्रेस इतना प्रेशर लेते हैं कि हम आगे ही नहीं बढ़ पाते कोई परफेक्ट नहीं है ना आप ना मैं ना आपको सुनने वाले और देखने वाले है क्या नहीं है ना सो so, अगर आप गलतियां कर भी रहे हो अगर आप चीज़ें भूल भी जाते हो अगर आप फंबल कर भी जाते हो दैट्स ओके डोंट बी सो हार्श ऑन योर सेल्फ थाट्स को बहने दीजिए ऑथेंटिकली नेचुरली बहने दीजिए यस ट्रेनिंग लीजिए सीखिए कि एज़ अ प्रोफेशनल आप किस तरीके से अपना जो रेट ऑफ फंबलिंग है उसे कम कर सकें कैसे इम्पैक्टफुली बोल सकें लेकिन अगर गलतियाँ हो भी जाती हैं तो खुद पे इतना क्रिटिकल होने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम्पल के लिए जब कभी खाना बनाते हो तो कभी नमक कम हो जाता है ज्यादा हो जाता है कभी कोई इंग्रेडिएंट कच्चा रह जाता है ज्यादा पक जाता है कुछ भी है हर बार रोटी परफेक्ट शेप की तो नहीं बनती ना नहीं बनती ना लेकिन स्वाद आ जाता है क्योंकि वो जिस भाव के साथ बनाया गया होता है उस खाने का स्वाद आ ही जाता है सो डू नॉट गेट ऑब्सेस्ड विद परफेक्शनिज्म कुछ हाथ नहीं आएगा आपके आप सिर्फ अपर्चुनिटीज़ को खोदोगे दूसरा शख्स अपने इम स्पीच के साथ बाजी मार जाएगा समझ रहे हैं नेक्स्ट वन जो अपने लाइफ में ना, अपनी लाइफ में एक मेंटोर ढूंढ लो उस मेंटोर को समझो कि वो किस तरीके से बोलते हैं उनके कंटेंट को कंज्यूम करो जो भी आपका मेंटोर हो उनकी वीडियोस हैं उनके कोर्सेज हैं उनकी स्पीचेज हैं है। उसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो कि ये शख्स बोलता किस तरीके से ये शख्स प्रेजेंट किस तरीके से करता है उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब करो उनके उनके विजडम को एब्जॉर्ब करो एंड मेक इट योर ओन इट्स लाइक लर्निंग फ्रॉम द वन होम यू रिस्पेक्ट होम यू वैल्यू होम यू दिस पर्सन इज रियली गुड एंड आपके उस लेवल पे है जहाँ पे आप पहुंचना चाहते हो दिस विल रियली एनहस योर कम्युनिकेशन स्किल्स द नेक्स्ट वन हम जब अपनी बात लोगों के सामने रख रहे होते हैं चाहे वो प्रेजेंटेशन के टाइम हो मीटिंग के टाइम हो तो बहुत ही हिचक बहुत ही संकोच होता है बिट लाइक सेल्फ कॉन्शियस की अरे लोग मुझे जज कर रहे हैं देख रहे हैं फॉर गेट दैट जिस थिंग अबाउट दैट आप जो मैसेज दे रहे हैं उसकी वजह से आप लोगों को सर्व कर रहे हैं आपकी नॉलेज की वजह से लोगों की जिंदगी में एक, एक रोशनी आ रही है थिंक अबाउट आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है अपनी टीम में उससे कितना कुछ बदल जाता है बिकॉज ऑफ योर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द टीम द कंपनी इज मेकिंग प्रोग्रेस थिंक फ्रॉम दैट परस्पेक्ट यूल बी अ लॉट मोर लॉट मोर एट ईज कि आप वहां पे कुछ दिखाने नहीं जा रहे हो कि मैं कितना अच्छा हूँ मैं कितना ग्रेट हूँ नहीं आप सिर्फ अपने मैसेज के थ्रू लोगों को सर्व करने जा रहे हो द मोमेंट यू गो विद दिस माइंड सेट आप ऑब्जर्व करोगे कि आपके अंदर एक लेवल ऑफ कामनेस एंड स्टेबिलिटी रहेगी तो ये थे कुछ तरीके जिनकी मदद से आप एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकते हो ये सारी टिप्स वो हैं जो मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में अमल करी है फॉलो करी हैं and i'm damn sure that if you would follow these tips you will see massive results in your life i'll wish all the best for you and your success and i'll see you in my next video till then stay awesome stay productive